दोस्तों अर्ली यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब लिखा हुआ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको टिकटॉक से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल सके। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब का कोई चार्जेज नहीं लगता। लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर लेना ताकि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। दोस्तों वीडियो पर आ गए तो वीडियो को पूरा देख लेना और देखने में आपका कुछ नहीं जाता लेकिन प्रॉब्लम आपका हो जाता है तो कम से कम आपकी आपको खुशी तो होगी। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टिकटॉक दोबारा कब से चालू होगा। ठीक है दोस्तों, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, टिकटॉक दोबारा कब से चालू होगा, यानी अभी टिकटॉक बहुत जल्द ही चालू होने वाला है दोबारा फिर से। ये हम ऐसे नहीं बता रहे हैं, हवा हवाई नहीं कर रहे, हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। आपको टिकटॉक बहुत जल्दी दोबारा शुरू होने का संभावना जताया जा रहा है दोस्तों, तो ये हम आपको प्रूफ रखेंगे आपको। तो वीडियो में बने रहना है, दिल थाम के आपको थोड़ा देखना है वीडियो को और जैसे ही देखते हैं आप और वीडियो ख़त्म होते होते आपको खुशी होने लगेगा जो वीडियो आपने देखा अर्लीवुड पे पहली बार और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी दोस्तों। ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम तो सबसे पहले हम ही सॉल्व करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए जो गूगल पे आप आएंगे, गूगल बाबा से पूछेंगे, बाबा साहब आप बताइए टिकटॉक कब से चालू होने वाला है। ठीक है, तो हम लेते हैं सबसे पहले टिकटॉक का केस लेते हैं। जैसे ही टिकटॉक का केस यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा आएगा गवर्नमेंट टू चांस टिकटॉक, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, टिकटॉक को चांस दे रही है दोबारा चालू होने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर यह भी लिखा आफ्टर बैन टिकटॉक इन्वाइटेड बाय गवर्नमेंट, टिकटॉक को भारत सरकार ने इन्वाइट किया है क्लियरिफिकेशन देने के लिए, यदि क्लियरिफिकेशन से संतुष्ट हो जाती है भारत सरकार तो टिकटॉक दोबारा बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। समझ में आ गई बात। सपोज करो आपने किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, इसको ऐसे समझो इसका मीनिंग। ठीक है, इसका मीनिंग यही है, जो आपने किसी के ऊपर रोक लगा दी, ठीक है, और फिर रोक लगाने के बाद उसको बोलते हो आप जो ठीक है हमने आपके ऊपर रोक लगाया, आपने ये गलती करी है, अब आप मुझे आके ये बताएंगे जो हमने आपके ऊपर रोक लगाया है उस रोक को हटाने के लिए आपने क्या कुछ कदम उठाया है, आपने डाटा रोक लगाई गई है डाटा सिक्योरिटी को लेके और भारत सरकार की भारत की जो सोवरेनिटी है उसके ऊपर खतरा को लेके। तो यदि भारत सरकार इनकी जवाब से संतुष्ट हो जाता है, जो आपका डाटा पूरी तरह से सिक्योर है और सुरक्षित है, इस तरह से भारत के ऊपर किसी तरह का कोई खतरा की वाली बात नहीं है, तो भारत सरकार इस बैन को हटा भी सकता है और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा जताई जा रही है जो दोबारा ये ऐप शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आने वाले मुझे लगता है 8 से 10 दिन के अंदर ये ऐप, 8 से 10 दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, लेकिन हाँ यानी विद इन 1 वीक 1 सप्ताह के अंदर ये ऐप दोबारा चालू हो सकता है दोस्तों। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी लोगों को जानकारी हो सके जो दोबारा चालू होने का संभावना है और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जब आप रिपोर्ट देखेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट टू चांस टिकटॉक अदर बैंस एक्सप्लेन देयर केस, तो गवर्नमेंट टिकटॉक को चांस देने वाली, इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है। टिकटॉक ये जो लाइव मिंट है ये हिंदुस्तान टाइम्स, यानी आप हिंदी वाली जो हिंदुस्तान पेपर देखते हो ये उसी का ये सहयोगी पेपर है इंग्लिश वाला लाइव मिंट। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा जो भारत सरकार ने जो चांस दिया है इनको, तो ये टिकटॉक दोबारा शुरू होने का संभावना है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। चिंता करने वाली बात नहीं है, रोने वाली बात नहीं है, बहुत लोग रो भी रहे थे, रोने वाली बात नहीं, तो आपको पेशेंस रखना है बस। टिकटॉक बहुत जल्दी शुरू होने वाला है दोस्तों, आपको चिंता करने की बात नहीं है। ये देखिए टिकटॉक का जो इंडिया का हेड है और इंडिया का जो इनका एग्जीक्यूटिव है, टिकटॉक का मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव है निखिल गांधी, इनको टिकटॉक इंडिया से इंडियाज़ निखिल गांधी सेड द कंपनी कंटिन्यूज़ टू कंप्लाई विद डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट अंडर इंडियन लॉ। मतलब ये निखिल गांधी टिकटॉक इंडिया का मैनेजमेंट टीम का एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो इन्होंने बोला हुआ है जो कंपनी इंडिया की प्राइवेसी, ठीक है, इंडिया की प्राइवेसी यानी आप सभी का प्राइवेसी और सिक्योरिटी सुरक्षा को लेके बहुत, और भारत सरकार भारत का जो कानून है उसको लेके बहुत ही सीरियस है और इसको फॉलो करता आ रहा है। ठीक है, और बहुत सारे कदम भी उठाया है, तो भारत सरकार मुझे लगता है जो इनके द्वारा दिया गया जवाब से संतुष्ट हो जाएगा, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव रहता है, अपना अनुभव बताता है, और ये बहुत जल्दी शुरू भी हो जाएगा। और ये मुझे लगता है 1 सप्ताह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा, 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा ये अब। ठीक है, उसी तरह से द हिंदू का भी है, फिर बिजनेस टुडे का भी है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको बता दिया इस वीडियो में बहुत जल्दी टिकटॉक शुरू होने वाला है, तो आपको पेशेंस रखना है। शुरू होता है तो शुरू होने के बाद आपको टिकटॉक को इस्तेमाल कम करना है, बाकी आप जैसे ही टिकटॉक शुरू होता है तो वीडियो डिलीट करना है, अकाउंट डिलीट करने का हमने सारा प्रोसीजर बता दिया है दोस्तों। इस वीडियो में इतना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर देना सभी जगह, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।